नमस्कार दोस्तों, एल्गोरिथम की लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेडी एल्गोरिथम में आज हम बात करेंगे हफमैन कोडिंग की। जनरली हफमैन कोडिंग का यूज़ किसी भी डेटा को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको कोई डेटा कहीं स्टोर करना है या कहीं नेटवर्क में ट्रांसफ़र करना है, तो हम डेटा को क्या करते हैं, रिड्यूस करके या उसको कंप्रेस करके सेंड करते हैं, जिससे आपका डेटा जल्दी पहुँच भी जाए, आपका नेटवर्क बैंडविड्थ भी ज़्यादा ना हो और जो ट्रेवलिंग टाइम है वो भी आपका कम हो डेटा का। इसलिए हम हफमैन कोडिंग का यूज करते हैं। अगर डिटेल देखें तो क्या कहता है हफमैन कोडिंग, हफमैन कोड यूज टू कंप्रेस द डेटा अप टू 90%। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90% की मतलब है कि किसी भी डेटा को अप टू 90% तक वो कंप्रेस कर सकता है आपका हफमैन कोडिंग। जैसे सपोज आपका कोई 100 MB का डेटा है, तो कंप्रेस करके उसको 10 MB तक की 10 MB बनाने की कैपेसिटी रखता है आपका हफमैन कोडिंग। सपोज वी हैव 100 करेक्टर, सपोज हमारे पास 100 करेक्टर का एक मैसेज है जिसमें 6 different characters यूज हुए हैं। कौन कौन से करेक्टर हैं उस मैसेज में, कैपिटल ए बी सी डी ई एफ। मैसेज कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज करो कि मैसेज आपका है ए बी एफ सी डी डॉट 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 ए एफ बी डॉट 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 ए बी सी डी ई एफ, कुछ ये आपका 100 करेक्टर का डेटा है। इस टाइप का मैसेज आपका कुछ दिया हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो जो फ्रीक्वेंसी है, इस टेबल समझिएगा, इस डेटा में फ्रीक्वेंसी जो दिया है ए 45 times आया हुआ है, मतलब जो मैसेज आपका है उसमें ए की अकरेंस कितनी टाइम्स है, 45 times, बी की अकरेंस कितनी है 13 times, सी की अकरेंस कितनी होगी इस मैसेज में सपोज 12 times है, डी 16 times, ई 9 times और एफ 5 times। टोटल देखें तो कितना आ गया, 100 करेक्टर आपका आ जाएगा। अब जब 100 times अकरेंस आ गया, तब देखिए जब मैसेज हम सेंड करते हैं, एक्चुअल मैसेज अगर कोई हम सेंड करते हैं सपोज, तो जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आपका कोई करेक्टर होता है या कोई नंबर होता है, उसका कोई ना कोई एक ASCII कोड होता है जिसको हम एक्चुअल कोड मान के चलते हैं। तो जो ASCII कोड होता है जनरली कितने बिट में होगा आपका, 8 bits में होता है। तो अगर हम टोटल मैसेज देखें, टोटल मैसेज जो 6 characters थे उसकी लेंथ कितने करेक्टर की है, 100 characters की। जब 100 करेक्टर टोटल लेंथ हैं, अगर इसको हम डेटा सेंड कर रहे हैं ASCII कोड में ही, ASCII कोड में मतलब कि हर इंडिविजुअल करेक्टर की साइज़ कितनी होगी, 8 bits होगी, तो उसको अगर हम टोटल साइज़ निकालें तो कितना हो सकता है, 100 × 8, क्योंकि 100 characters हो गए, ये 100 characters हैं जिसमें 45 अकरेंस एक ही है, ऐसे ही सारे की अकरेंस है, तो और हर करेक्टर कितना ले रहा है, 8 bits ले रहा है, देन टोटल नंबर ऑफ बिट कितने हो गए, 800 bits आपका आ गया एक्चुअल मैसेज का, मतलब अगर ऐसे ही हम सेंड कर दें देन। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है फिक्स लेंथ। फिक्स लेंथ कैसे हम निकालते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम देखें यहाँ तो कितने करेक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 ही करेक्टर हैं। अगर 6 characters को देखें तो हम बाइनरी नंबर में उसको रिप्रेजेंट करना हो, 6 number को, मैक्सिमम 6 number को रिप्रेजेंट करने के लिए देखें तो हमारा 3 by 3 digits में डिनोट हो जाएगा। जैसे कि अगर देखें 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखें तो 000 हो सकता है, 1 को 001 हो सकता है, 2 को 010 और 3 को 010, 7 को 111। ये देखें तो आपको मैक्सिमम अगर हम 3 digits में देखें तो 3 digits में 7 different numbers को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास कितने यहाँ पे 6 हैं, मतलब कि इसी 6 में से है, इसी 3 digits में हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस 6 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया जैसे फिक्स साइज का, कि हर की लेंथ कितनी है, 3 का हम ले रहे हैं क्योंकि 2 bits में हम इसको अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 bits में क्या होगा, मैक्सिमम 4 numbers को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 00, 01, 10 या 11, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे, केवल डिफरेंट चार करेक्टर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और यहाँ पे कितने हैं 6, तो इसीलिए हम किसका यूज़ करेंगे, 3 bits का। हम 4 bits भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 bits अननेसेसरी यूज़ करने की क्या ज़रूरत है जब हमारा काम किस में हो जाए, 3 bits में ही हो जाए। तो अगर हम इसको फिक्स लेंथ कर दे रहे हैं, मतलब कि ए की साइज़ हमने क्या कर दिया 3 bits में, बी की भी साइज़ हमने क्या कर दिया 3 bits में, सी की भी साइज 3 bits में, और इस तरह से हमने कोडिंग कर दिया 001, 000, 000, 001, 010, इस तरह से कोडिंग कर लिया। एक कोडिंग कैसे आया ये भी अभी हम आगे बताएंगे, अभी फिलहाल हम देखते हैं फिक्स लेंथ। तो हर की साइज कितनी है, 3 bits सबकी है। अब अगर इस 3 bits में हम मैसेज टोटल देखें तो कितने करेक्टर हैं, 100 करेक्टर हैं,
क्योंकि मैसेज तो वही जाएगा और हर एक करेक्टर की साइज कितने लगा 3 बिट, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 300 बिट। तो एक्चुअल मैसेज अगर हम 8 बिट में आस्की में भेज रहे थे कितना ले रहा था 800 बिट, और अगर इसको हम फिक्स लेंथ करिए 3 बिट में तो कितना बिट में हो गया, केवल 300 बिट में ही हो गया। तो देखिए तो कितना रिड्यूस हो गया, 50% से ज़्यादा रिड्यूसिंग हो गया डेटा का। लेकिन तीसरा ऑप्शन हमारे पास वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ क्या करता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर का हम फिक्स साइज रखें। जैसे हमने ए को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 0 लिया, 1 बिट लिया, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना लिया 3 बिट, इसी तरह से सी डी अलग अलग के लिए हमने वेरिएबल लेंथ में ले लिया। अब अगर इसका मुझे निकालना हो कि साइज तो कितना होगा, ध्यान दीजिए इसको कितना ले रहा 1 बिट और इसकी अकरेंस कितनी है 45, मतलब कि 45 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बी की अकरेंस कितनी है 13 मल्टीप्लाई बाई कितनी बिट है इसमें 3 प्लस सी की अकरेंस कितनी है 12 मल्टीप्लाई बाई कितनी बिट है 3, इसी तरह से डी का देखें तो 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ भी 3 बिट है प्लस ई की देखें तो 9 है, 9 अकरेंस है, 9 मल्टीप्लाई बाई इसको कितने बिट में रिप्रिंट कर रखे हैं हम ई को 4 बिट में, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस एफ कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाई कितने में रिप्रिंट कर रखे हैं 4 बिट में तो 4। अगर टोटल इसका सम निकालें तो आ जाएगा 224। अगर देखें 224 बिट तो अगेन जो आपका फिक्स लेंथ था इससे और रिड्यूस हो गया, इससे और रिड्यूस हो गया। अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ से 70% से भी ज़्यादा डेटा कंप्रेस हो चुका है। तो इसीलिए अगर तीनों में देखें तो सबसे कम डेटा कौन सा लिया, सबसे कम डेटा ले रहा है वेरिएबल लेंथ टाइम, तो वेरिएबल लेंथ टाइम ले रहा था डेटा का। और यही हम जो हफमैन कोडिंग करते हैं उसमें यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ का। अब ये डेटा आया कैसे, जो यहाँ पे कोडिंग आ रहा कैसे आ रहा है, प्लस इसमें अभी हम और भी देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 300 बिट यहाँ पे कैलकुलेट किया, लेकिन जब हम एक्चुअल डेटा भेजते हैं तो 300 से कुछ ज़्यादा डेटा जाता है। ऐसे यहाँ पे अगर देखें तो 224 जो है, अगर इसको डेटा एक्चुअल ट्रांसफर करते हैं तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा डेटा जाता है। वो कैसे डेटा जाता है, कहाँ कितना कैलकुलेट होगा एक्चुअल, वो हम आगे समझते हैं। पहले हम समझेंगे फिक्स लेंथ, जो फिक्स लेंथ आया है ये कैसे हम इसकी कोडिंग निकाल सकते हैं। तो इधर हम डायग्राम में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ए की अकरेंस कितनी है, ए की अकरेंस है 45 टाइम। इसके बाद बी की अकरेंस कितने टाइम्स है 13, सी की अकरेंस कितनी टाइम है 12 टाइम, डी की अकरेंस 16 टाइम, ई की अकरेंस आपकी आ रही 9 टाइम और एफ की अकरेंस है कितने टाइम 5 टाइम। ये आपका हमने डेटा ले लिया यहां से एज ए लीफ नोट। अब यहाँ पे देखें तो हम जो वेरिएबल लेंथ है, क्योंकि सारे की लेंथ कितनी है 3 बिट की है, तो हम क्या करेंगे इन दो दो को मर्ज करते चलते हैं। अगर हम इसको मर्ज करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 45 प्लस 13 मीन्स 58। इसको मर्ज करें तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 16 मीन्स 28। इसको मर्ज करें तो कितना आ जाएगा 9 और प्लस 5 14। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर कभी ये पेयर नहीं बन रहा है तो हम एक को ही लेके आगे मूव करेंगे लेबल के साथ। अब यहाँ पे इस लेबल पे कितने डेटा हो गया 3 डेटा, इसको फिर से मर्ज करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 58 प्लस 28 86 आ जाएगा, 86 आ गया। अब देखिए इसका किसी से पेयर नहीं बन रहा तो इसको हम एक लेबल ऐसे ही बढ़ेंगे, एक लेबल हम ऐसे ही बढ़ेंगे और इसको हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसका देखें तो और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका डेटा 14 ही आ जाएगा। अब लास्ट लेवल में देखें तो इसका कंपेयर करें कितना हो गया 100 आ गया, मतलब कि टोटल जितने करेक्टर थे 100 यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब इसी में हम देखें जितने भी लेफ्ट ट्री हैं, जितने भी लेफ्ट साइड हम चल रहे हैं उसको 0 से रिप्रेजेंट कर लें और राइट साइड वालों को 1 कर लें, मतलब इसको लेफ्ट चल रहा है 0 हो जाएगा, इसके लेफ्ट में 0 हो जाएगा, इसके लेफ्ट में 0 हो गया, इसके लेफ्ट में 0 हो गया, इसके भी लेफ्ट में क्या हो गया ये 0 हो गया, यहाँ भी इसका लेफ्ट है ये 0 हो गया, और जितने राइट वाले उसको 1 से कोड कर दिया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कोडिंग आपका हो गया। अब देखिए इस कोडिंग को मैच कीजिए, ए की कोडिंग क्या हमने रखा था 000, यहाँ देखिए ए की कोडिंग यहाँ से अगर चलते हैं तो 000 ये कोडिंग आ गया। इसी तरह से अगर बी की देखें तो क्या
वन, ए पाथ लेगा 001, तो बी की कितनी है 001, सी की कितनी है 010, तो सी यहाँ पे है 010, इसकी कोडिंग आ गई। इसी तरह से डी की 011, तो डी की कितनी है 011। इसी तरह से हम एफ का भी निकाल लेंगे 100, तो 100, और एफ का निकाल लेंगे 101101। तो ये आपकी कोडिंग इस तरह से निकली किस केस में, फिक्स लेंथ में। अब इसके टोटल साइज देखें हम, तो टोटल साइज हमने देखा था कि मैसेज की जो एक्चुअल टोटल साइज है कितनी है 300 बिट, जो हमने यहाँ से देखा था। लेकिन जब हम मैसेज ट्रांसमिट करेंगे, मीन्स डेटा सेंड करेंगे किसी के पास, तो उसके साथ अगर हम इसी डेटा को भेज देंगे तो इसको डिकोड कैसे करेगा, उसकी मीनिंग नहीं समझ पाए, क्योंकि हमने ए को कितने बिट में डिकोड कर इनकोड कर रहे हैं, 3 बिट में केवल, लेकिन एक्चुअल मैसेज तो ASCII कोड में होता है ना, तो कैसे डिकोड कर पाएगा, कैसे वो मीनिंग समझेगा कि ए का ही है कि बी का है। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, इसका एक्चुअल कोड भी हम भेजते हैं, मतलब ये ट्री जो है ट्री को भी साथ में भेजेंगे। ट्री को साथ में भेजेंगे तो कितने करेक्टर हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 हैं, 6 करेक्टर, तो 6 मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल डेटा कितने बिट का होगा 8, इसको एक्चुअल भी हम भेजेंगे, प्लस ये टोटल नंबर ऑफ बिट कितने हो रहे हैं 1 2 3, या टोटल नंबर बिट यहाँ से भी हम काउंट कर लें तो 3 3 6 9 12 15 18, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 18, ये टोटल जो आएगा वही ओवरऑल मैसेज होगा जो हम नेटवर्क में सेंड करेंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 300 प्लस 48 प्लस 18, यहाँ पर हम टोटल निकाल लेंगे तो आ जाएगा 666, मतलब कि जो डेटा नेटवर्क में ट्रांसफर होगा, कहीं सेंड करेंगे, वो कंप्रेस होके डेटा कितना जाएगा 366 बिट जाएगा आपका। एक्चुअल कितना था, एक्चुअल आपका 800 बिट था, क्योंकि इसमें हमने कोडिंग ना करके अगर ऐसे डेटा भेजें तो ये एक्चुअल मैसेज जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया 366। तो भी अगर हम देखें तो 800 के कंपेयर में कितना है, बहुत ही कम डेटा है 366 बिट जो कि नेटवर्क में भेजेंगे। लेकिन अगर हम वेरिएबल लेंथ देखें जो कि हमारा हफमैन कोडिंग यूज़ करता है, ये क्या करेगा, और डेटा को रिड्यूस कर देता है, उसकी कोडिंग, उसका ट्री कैसे बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। उसका ट्री बनाने के लिए हम जनरली करेंगे क्या कि सारे जो आपके एलिमेंट हैं, जो आपके करेक्टर दिए हुए हैं, उसकी अकरेंस है, उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सॉर्ट कर लेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो सबसे कम अकरेंस किसकी है, एफ की, तो सबसे कम अकरेंस हम ले लेंगे सबसे पहले एफ की, तो एफ की देखें कितना हो जाएगा, एफ की है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, इससे ज़्यादा कितने हैं, ई की 9 टाइम्स, ई को हमने ले लिया 9 टाइम्स, इसके बाद सी की है, सी है 12 टाइम, और बी का है 13 टाइम, बी का कितने टाइम्स है 13 टाइम अकरेंस है, और इसके बाद डी का है 16 टाइम अकरेंस, और लास्ट में है ए का 45 टाइम्स अकरेंस है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हफमैन कोडिंग क्या करता है वेरिएबल लेंथ बनाने के लिए, सबसे पहले सॉर्ट कर लिया डेटा को, मतलब कि डेटा की सॉर्टिंग यहाँ होगी, सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट किया किसके अकॉर्डिंग, फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, जिसका जितना अकरेंस था इस ओरिजिनल मैसेज में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो डेटा को हम मिनिमाइज कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम मिनिमम वाले को देखेंगे। जैसे मिनिमम यहाँ पे कौन कौन से हैं, मिनिमम ये दोनों हैं, इन दोनों को हम पहले क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इन दोनों कंबाइन करते ही देखिए कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 मतलब 14 हो जाएगा। 14 होते ही अब देखिए 14 12 13 16 45, अब इसको फिर से हम रीअरेंज करेंगे, मतलब फिर से सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे। जब फिर से सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा आपका सी 12, बी 13 टाइम्स, इसके बाद 14, क्योंकि यहाँ पे 13 से ग्रेटर है 14, तो सॉर्ट करेंगे तो फिर से यहाँ आ जाएगा। और 14 बना कैसे था, एफ 5 से बना था, और ई जो 9 टाइम आया था इससे बना था। इसके बाद डी आपका 16 ऐसे ही होगा, ए आपका 45 यहाँ होगा। नेक्स्ट चले तो मिनिमम कौन से हैं, दोनों ये दोनों मिनिमम है, इन दोनों को हम फिर से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो इन दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 13 कितना हो गया, 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ 25 हो गया, देखिए यहाँ 14 है और यहाँ पे 16 है, तो इसको फिर से सॉर्ट करेंगे। जब फिर से सॉर्ट करेंगे तो डेटा क्या बन जाएगा आपका, 14
14 किससे बना था, एफ 5 और ई 9 टाइम से बना था। इसके बाद आ जाएगा आपका 16 डी, 16 आ जाएगा, 16 टाइम डी क्योंकि अकरेंस है। इसके बाद 25 में जो बना था किससे बना था, सी 1 सी से बना था और बी से बना था जिसकी अकरेंस कितनी थी 13 टाइम। और इसके बाद आपका बचा केवल ए, तो हो जाएगा ए 45 टाइम्स। इस तरह से हो गया। ध्यान दीजिए हम प्रोसेस कर रहे हैं ट्री का, ये जो वेरिएबल लेंथ के कोडिंग निकाल रहे हैं कोडिंग यहीं से निकलेगी, कैसे कोडिंग निकले वो समझते रहिए आप। अब देखिए फिर से मिनिमम, फिर से हम मिनिमम लेंगे तो यहाँ पे मिनिमम क्या हो रहा है, ये दोनों मिनिमम है, इसको फिर से जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 14 प्लस 16 हो गया। 30 होते ही देखिए क्या हो जाएगा, अब 30 और जब यहाँ पे हो गया तो फिर से इसको रीअरेंज करेगा, जब रीअरेंज करेगा तो क्या हो जाएगा 25 सी 12 इस साइड आ जाएगा और बी 13 टाइम्स यहाँ आ जाएगा और इसके राइट में यहाँ पे आ जाएगा 30 क्योंकि 30 अब यहाँ पे 25 से ग्रेटर है। और 30 बना कैसे, 14 और डी 16 से बना और 14 बना था एफ 5 और ई 9 से। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे आपका ए 45 तो है ही है, ठीक है। अब फिर से मिनिमम इस रूट में देखेंगे, मिनिमम मिनिमम कौन से 25 और 30 यही मिनिमम है, इसको जब फिर से कंबाइन करेंगे तो कितना बन जाएगा 55। अब 55 और ए 44 इसको हम फिर से जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला इसके पहले आ जाएगा, 55 यहाँ हो जाएगा, मतलब जो ऑर्डरिंग होगा आपका ए 45 सपोज हम इसी को ले रहे हैं यहाँ पे और ये आ जाएगा इसके बाद 55 और 55 का जो चिल्ड्रेन है कितना हो जाएगा 25 किससे बना, सी 12 से और बी 113 वाले से बना, 13 से बी 13 से और राइट चाइल्ड है 30 किससे बना 14 और डी 16 से और 14 किससे बना आपका एफ 5 और ई 9 से। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जब हमने फिर से स्टार्ट किया तो यहाँ पे ए 55 से लेस था, 45 तो यहाँ आ जाएगा, अब इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए जो आपका फाइनल ट्री बना, फाइनल ट्री डायग्राम यही बना, ठीक है। अब इसमें देखिए अगेन वही काम करना है, लेफ्ट वाले को जीरो से, लेफ्ट चाइल्ड जो बन रहे हैं लेफ्ट साइड वो जीरो से इनकोड कर देंगे उसको और राइट वाले को 1 से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाले को हम पहले लेफ्ट को जीरो को ले लेते हैं, ये लेफ्ट था इसका, इसका लेफ्ट क्या है जीरो, इसका लेफ्ट है ये जीरो, अगेन इसका लेफ्ट क्या है जीरो, इसका लेफ्ट यहाँ है जीरो, इसके अलावा बाकी राइट है, तो राइट वाले को हम यहाँ 1 ले लेंगे, इसका राइट है 1 हो जाएगा, इसका राइट 1 हो गया, इसका राइट 1 हो गया, इसका राइट 1 हो गया। अब देख लीजिए कोडिंग, आपको ए 45 जो था इसकी कोडिंग कितनी आ रही, जीरो, देखिए केवल जीरो यहाँ पे है। बी की कितनी आ रही, 101, बी कहाँ है आपका यहाँ पे, तो 101 ए बी की कोडिंग आई। सी की कितनी आ रही है, 100, तो सी कहाँ है आपका, सी यहाँ पे है, तो 100 ये आपका कोडिंग यहाँ पे आ गया। इसी तरह से अगर एफ का देखें तो 1100 है, तो एफ कहाँ है आपका, एफ यहाँ पे है, तो 1100 इस तरह से सारा आ गया। तो हम कोडिंग कहाँ से निकाले, जो कोडिंग यहाँ पे आया वेरिएबल लेंथ में यहाँ से कोडिंग आया। अब एक्चुअल मैसेज देखिए जो साइज होगा इसका कितना कंप्यूट होगा, हमने यहाँ पे देखा था इसकी साइज कितनी आ रही है 224 बिट, ये आपके एक्चुअल मैसेज की थी, जो आपका एक एक्चुअल मैसेज है ये ट्रांसफर। लेकिन इसके साथ जब हम इसी ट्री को भेज देंगे तो जो रिसीवर होगा, रिसीवर उस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि जीरो का मीनिंग ए नहीं समझ पाएगा कि 101 का मीनिंग बी हो जाएगा, जीरो का मीनिंग ए हो गया, 100 का मीनिंग सी हो गया, वो नहीं समझ पाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, ए ट्री भी सेंड करना पड़ेगा। ट्री सेंड करने का मतलब अब इसी में प्लस करेंगे डेटा, देखें तो टोटल कितने करेक्टर थे, 6 करेक्टर थे, एक्चुअल उसकी ASCII कोड में कितनी होगी 8 बिट की, मतलब 6 × 8 = 48 बिट तो हो गया उसका, जो एक्चुअल का एक्चुअल आपका मैसेज एक्चुअल करेक्टेड था उसका ASCII कोड, प्लस इस पर प्लस और क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बिट, जो टोटल बिट यूज हुआ, कितने बिट यूज हुए यहाँ पे, बिट काउंट कर सकते हैं, 4 4 8 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17 + 1 18, तो यहाँ पे आ जाएगा
18। अब टोटल देख लीजिए, टोटल कितना हुआ, टोटल आपका हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 290 बिट। तो अगर हम प्रीवियस वाले से देखें तो टोटल मैसेज साइज अगेन यहाँ पे उससे भी रिड्यूस हो गई, कितनी आ गई 290 बिट, जो कि नेटवर्क में ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ASCII कोड जो जो हाफमैन कोडिंग था, हाफमैन कोड आपका यूज करेगा वेरिएबल लेंथ, जो हमने अभी डिस्कस किया, यही हाफमैन कोडिंग में इन्वॉल्व होता है। तो होप सो कंसेप्ट क्लियर होगा आपको हाफमैन कोडिंग कैसे करते हैं हम। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे हम नेक्स्ट जॉब सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।